प्रदेश कार्यकारिणी के गठन से पहले ही नेता दिल्ली की दौड़ लगाने लगे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के लिए कांग्रेस नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। कई वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकारिणी में शामिल करवाने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। दिल्ली में कई नेताओं ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात भी की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने अजय माकन से दिल्ली में मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों कैंप के नेता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकारिणी में जगह पाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। संगठन की कार्यकारिणी में जगह बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी नेता अपने अपने गॉडफादर की हाजिरी लगा रहे हैं। ब्लॉक से लेकर स्तर प्रदेश कार्यकारिणी के अभाव में पंचायती राज चुनाव को मात दे चुकी कांग्रेस आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव में भूल वापिस नहीं दोहराएगी। इसके लिए कार्यकारिणी गठन की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी और निकाय चुनाव लड़ चुके नेताओं को संगठन में जगह मिलना मुश्किल है। चुनाव में टिकट ना पाने वाले नेताओं को संगठन में तरजीह दिए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। और राजस्थान में सीएम पद को लेकर भी तरह तरह की कवायद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि यदि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सचिन पायलट को दिल्ली केंद्र में भेजकर कोई अहम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है या राहुल गांधी की टीम में भी शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ये भी खबर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है और सीपी जोशी और सचिन पायलट में से किसी एक को राजस्थान की कमान भी दी जा सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में राजनीति क्या रंग रूप में नजर आती है और राजस्थान में कमान किसको सौंपी जाती है, या अभी अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।